हेलो फ्रेंड्स, योगी फूड रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं छोटी मछली की रेसिपी। ये देखिए, मेरे पास छोटी मछलियाँ हैं। देखिए कितनी सारी है, छोटी बड़ी सब साइज की मछलियाँ हैं। ये मछली खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, तो आप मेरे साथ वीडियो पर बने रहें और मेरी रेसिपी को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो आइए हम मछली को अच्छी तरह से साफ कर लें। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने मछली को अच्छी तरह से धो के साफ कर लिया है। तब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच नमक। इन दोनों को डाल के हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये देखिए, हमने हल्दी और नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मछलियों को हमने हल्दी और नमक से अच्छी तरह से देखिए मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए गैस पर हमने यहाँ पे तवा बैठा दिया है। आज हम तवे पर मछलियों को फ्राई करेंगे। छोटी मछलियों को तवे पर फ्राई करने से तेल कम लगता है और ये क्रिस्पी फ्राई होती है। तो ये देखिए, हमने इस पर तेल डाल दिया है, गर्म हो जाए उसके बाद हम मछलियों को इसमें डालेंगे। तेल गर्म हो गई है, तब हम मछलियों को इसमें डाल देते हैं। एक बार में तवे पर जितना मछली आ सके उतना हम डाल देते हैं। ये देखिए, हमने डाल दिया है। अब हम इसे 2 मिनट तक इसे पका लेते हैं, उसके बाद हम इसे पलट देंगे। इसे हम थोड़ा सा ढक देते हैं जिससे कि तेल के छींटों से हमारी चूल्हा किचन हमारी गंदी ना हो। एक तरफ से मछली फ्राई हो गई है, तब हम मछली को पलट लेते हैं। ये देखिए, फ्राई हो जाती है तो एकदम जल्दी ही पलट जाती है। देखिए कितनी अच्छी तरह से पलट गई है और ये तवे पर बिल्कुल भी चिपकी नहीं है। अब हम और एक तरफ 2 मिनट तक भून लेते हैं मछलियों को। मछली भून चुकी है तो हम मछलियों को निकाल लेते हैं। और बची हुई मछलियों को भी हम सेम तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तवे पर तेल डाल देते हैं और मछलियों को भी डाल देते हैं। चारों ओर अच्छी तरह से मछलियों को फैला दे रहे हैं। ये देखिए, हमने सारी मछलियों को तवे पर फैला दिया है। इसे भी हम सेम प्रोसेस से फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने सारी मछलियों को फ्राई कर लिया है। तो चलिए अब हम इसकी ग्रेवी बनाते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। तब हम इसमें डाल दे रहे हैं सरसों का तेल। तेल गर्म हो गई है, तब हम इसमें डाल दे रहे हैं 2 सूखी मिर्च और 5 फोड़न, और साथ ही डाल दे रहे हैं 2 हरी मिर्च और प्याज जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है। और अब हमें इसे सुनहरा होने तक भून लेना है। फ्रेंड, आज हम छोटी मछली को सरसों डाल के बनाने वाले हैं। सरसों डालने से छोटी मछली बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप जब भी बनाएं तो सरसों डाल के बनाएं, देखिएगा आपकी पूरी फैमिली को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो प्याज फ्राई हो चुकी है, तब हम इसमें डाल देते हैं पेस्ट के लिए मसाले। इसमें हमने प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को पेस्ट कर लिया है। अब हमें मसालों को तब तक भूनना है जब तक इसका कच्चा फ्लेवर चला ना जाए।
ये देखिए पेस्ट के लिए मसालों को हमने भून लिया है, तब हम इसमें डाल दे रहे हैं एक कटी हुई टमाटर, और साथ ही डाल देते हैं कुछ पाउडर मसाले जिसमें हमने लिया है हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और टेस्ट के इतना नमक। और अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और डाल दे रहे हैं मसालों वाला पानी और अच्छी तरह से इसे हमें मिक्स कर लेना है। और अब हम इसे ढक के 5 मिनट तक पका लेते हैं जिससे कि मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और टमाटर भी हमारी सॉफ्ट हो जाए। इसे ढक देते हैं। फ्रेंड जब तक मसाले भून रही है तब तक हम सरसों को पीस लेते हैं। ये देखिए हमें काला सरसों डालना है मछली पर, आप इसकी जगह पीली सरसों भी डाल सकते हैं। सरसों को हमने पीस लिया है तो चलिए देख लेते हैं मसाले भुने या नहीं। ये देखिए टमाटर देखिए सॉफ्ट हो गई है, तब हम इसे अच्छी तरह से टमाटर को मसल लेते हैं और मसाले भी देखिए भुन चुकी है। तो फ्रेंड मसाले अच्छी तरह से भुन चुकी है, तब हम ग्रेवी के लिए इसमें डाल दे रहे हैं पानी। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और ग्रेवी में एक बॉईल आने तक वेट करते हैं। बॉईल आने के बाद ही हम मछलियों को इसमें डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड ग्रेवी में बॉईल आनी शुरू हो गई है, तो अब हम मछलियों को डाल देते हैं ग्रेवी में और अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ मिक्स कर देते हैं। और अब हमें इसे 5 मिनट तक पका लेना है, वो भी मीडियम फ्लेम पर। 5 मिनट तक देखिए हमने मछली को पका लिया है और ये रेडी है, तब हम इसमें डाल दे रहे हैं पीसी हुई सरसों को। थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल देते हैं। और अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और 1 मिनट के बाद गैस बंद कर देना है, तब हमारी फिश करी बन के तैयार हो जाएगी। फ्रेंड 1 मिनट हो गई है और ये देखिए फिश बन के तैयार है, तब हमें इसे और नहीं पकाना है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। आप चाहे तो इस समय धनिया का पत्ता डाल सकते हैं, उसे डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ सकता है। मेरे पास नहीं है तो हम नहीं डाल रहे हैं। तो देखा आपने स्मॉल फिश करी बनाना कितना आसान है। तो आपको जब भी मन करे खाने का आप इस तरह से सरसों वाली स्मॉल फिश बना सकते हैं। ये देखिए ये कितनी अच्छी बनी है, आप इसे चावल चपाती के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और फ्रेंड अगर आपको मेरी आज की ये फिश करी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर से एक नई रेसिपीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।